हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल केडी दाऊद व्लॉग्स। तो अभी आज हैदराबाद का फर्स्ट डे है। सो हम लोग की जर्नी का ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वो वीडियो चेक कीजिए, देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो आज हम लोग जाने वाले हैं रिसेप्शन में। मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि हरीश के कज़िन का आज मैरिज है, तो सुबह हम लोग लेट से आए इसलिए हम लोग शादी में नहीं जा पाए। बट अभी रिसेप्शन है इवनिंग में, तो हम लोग उसी के लिए तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कियांश और दिव्यांश दोनों कैसे खेल रहे हैं। ये जो झूला है वो कियांश के बचपन का है, तो अभी उसमें ये दिव्यांश भी खेल रहा है। उसको मज़ा आ रहा है, उसने फर्स्ट टाइम उसमें बैठा था ना, तो उसको मतलब अच्छा फील हो रहा था। और ये कियांश अपने कपड़े ढूंढ रहा है, उसको हमेशा नए नए कपड़े चाहिए पहनने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, ये हैदराबाद में इसके इतने सारे टॉयस हैं, इसके बचपन के टॉयस हैं। आप लोगों को पता है कि पहले हम लोग हैदराबाद में रहते थे, तो अभी अभी हम लोग यहाँ पे मुंबई में शिफ्ट हुए। सो हैदराबाद से मैंने इसके टॉयस वगैरह कुछ नहीं लेके आई थी, तो यही सब उसके बचपन के हैं सारे। तो उसी के साथ वो खेल रहा था। ये देखो, सब उसके ही टॉयस हैं, मैंने मतलब संभाल के रखा था अच्छे से। ये स्लेट भी उसके फर्स्ट टाइम मैंने उसके लिए ख़रीदा था स्लेट। तो ये सारे टॉयज है, उसमें से दो मतलब तीन चार टॉयज जो है वो सॉफ्ट थे, मतलब वो कियांश के लिए जब उसके टीथर मतलब टीथ आने वाले टाइम पे मैंने लिया था, तो वही अभी मैंने दिव्यांश को भी दिया। तो यहाँ पे मेरे खाने के लिए फटाफट से मैंने चावल बना दिया और आमलेट डाली थी। और ये छाछ की तड़का वाला छाछ है, इसको क्या बोलते हैं क्या पता, लेकिन ये चावल के साथ अचार के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये घर पे बना हुआ टमाटर की चटनी है, अचार है। तो अब लोग, हम लोग को जाना था, रेडी होना था, तो अभी टाइम नहीं था इसलिए मैंने कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाया। दही था तो दही को ही मैंने छाछ बना के फिर उसमें तड़का लगाया। और फाइनली यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए, और दिव्यांश कियांश दोनों को भी मैंने रेडी कर लिया है और हरीश भी रेडी हो गए हैं। तो अभी हम लोग को निकलना है, क्योंकि हमारे घर से जहाँ पे हम लोग को जाना है लिंगमपल्ली, हैदराबाद में एक जगह की नाम है, तो वो अगर ऐसे जाएंगे तो 1.5 आवर लगेगा बस। पर हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं इसलिए 15 मिनट में पहुँच जाएंगे, बट ट्रेन टाइम पर आना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम लोग ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी ट्रेन होंगे वो डिस्प्ले में आपको दिखाई देंगे, मतलब ट्रेन कब आने वाली है, कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, तो सब लोग उसी के लिए वेट कर रहे हैं। तो हम लोग भी यहीं पे उसी के लिए वेट कर रहे हैं। यहाँ पे जो डिस्प्ले है ना उसमें दिखाई देता है। तो गाइस, अभी अनाउंस हुआ है कि ट्रेन 1 आवर लेट होगा, तो हम लोग यहाँ पर बाहर बैठे हुए थे ऊपर जो ओवर ब्रिज रहता है ना उसके ऊपर बैठे हैं, अभी ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं। पता नहीं कब आएगा ट्रेन। तो देखिए बच्चे दोनों कैसे, मतलब हवा भी आ रही थी लेकिन धूप भी लग रहा था। ये देखिए, ये कोयला है, तो मतलब ट्रेन में लेके आ रहे थे कोई दूसरे स्टेट से। तो इसको देख के तो मुझे तो मतलब KGF का ही याद आया, इतना सारा कोयला खदान से लेके आ रहे थे, हम लोग बस देखते ही रह गए। देखिए कितने सारे डब्बे में मतलब बोगी में कोयला भरा हुआ है। पहले तो सब ट्रेन कोयले पे ही मतलब चलता था, अभी तो इंजन लाइट पे चलने लगी है। इसको देख के मुझे गदर की मूवी भी याद आ गई, क्योंकि गदर में भी ट्रेन कोयले से ही मतलब चलता है। गाइस, हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं ट्रेन के लिए, और ट्रेन जो है लेट है 1/2 आवर। इसको भूख लग रहा है, घर पे खाने के लिए बोला तो खाया नहीं है, मतलब खाया था बट कहीं बाहर जाते तो इसको भूख लगती है। मामा ना काका, ट्रेन लेट है, हम लोग ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं। अब पता नहीं, हानी सो गाइस, फाइनली ट्रेन आ गया है। पता है कब, 1.5 घंटे के बाद ट्रेन आया है। हम लोग को ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है और हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। एक्चुअली लोकल ट्रेन रहता है बट हम लोग लोकल ट्रेन का टिकट पता नहीं क्यों नहीं लिए थे, इन्होंने रिजर्वेशन करवाया है ये भी 1 घंटे के रास्ते के लिए।
और कियांश को वेटिंग करते करते बहुत थक गए हैं। देखो उसको नींद भी आ रहा है, क्योंकि हम लोग निकले थे 4 बजे, लेकिन अभी बज रहा है 7, तो बहुत ही थक गए हैं। अभी पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। तो गाइस हम लोग पहुंच गए लिंगमपल्ली। ये देखिए ये होटल है और यहाँ पे रिसेप्शन होने वाला है। हम लोग वेट कर रहे हैं लिफ्ट के लिए। सो गाइस जो रिसेप्शन है, मतलब बहुत ही अच्छा हुआ है रिसेप्शन। हम लोग यहाँ पे से बैठे थे स्नैक्स और डिनर वगैरह करके। तो ये देखिए ये ब्राइड और ग्रूम है। सो गाइस रिसेप्शन हम लोग ने अच्छे से एंजॉय किया। अब हम लोग डिनर करने जा रहे हैं। सो ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय।